कर सब सामान है नहीं नहीं क्या पॉलिटिकल हालात जिस तरीके से बन रहे हैं क्या कहेंगे पूरे हलचल मचा हुआ है पूरे बिहार के पूरे देश में। देखिए मेरी तो समझ अब सवाल तो तीन चार एक ही तरह के हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सब जो चल रहा है या जो आप लोग चला रहे हैं वो तो सब देख रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे, आपको स्मरण हो जो लोग भी बिहार में रहे हैं और बिहार के बाहर से आए हैं, 9 अगस्त 22 को जब इस गठबंधन की बुनियाद पड़ी उस बुनियाद में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, बुनियाद की एक एक ईंट जो थी वो ये थी कि मोदी जी की तानाशाही राजनीति नफरत और घृणा के खिलाफ। उसी कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ संयोजन भी किया मीटिंग का तेजस्वी जी के साथ मिलकर के, सब मिलकर के बेहतर ढंग से एक सृजन का कार्रवाई हुआ। आप देख सकते हैं हालात कितने बदले हैं। तो सीधे तौर पर मैं तो जो देख रहा हूँ और जो उससे असमंजस है मैं मानता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कन्फ्यूजन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें, ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन के मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय कन्फ्यूजन ये इधर उधर वो सब स्पष्ट हो जाए ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं, मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया और मैं अभी भी कह रहा हूं जो चल रहा है या चलाया जा रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर 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 एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं बीजेपी फिर से उधर न चले जाए, सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग कुछ खेला करने वाले? देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर, अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु हेतु मतभूत वाला मामला।